हेलो, मैं सुनीता मिश्रा आज बनाने जा रही हूँ कच्चे आम और पुदीना की चटनी। कच्चे आम और पुदीना की चटनी बहुत ही चटपटी और स्वादिष्ट होती है। चटनी बनाने के लिए मैंने लिए है 2 कच्चे आम, जिन्हें धोकर मैंने पहले से छील लिया है। इनके मैं टुकड़े काट लूँगी। 40 से 45 या आधा कप पुदीने की पत्तियाँ मैंने ली हुई हैं, जिन्हें मैंने साफ करके धो लिया है। पुदीने की पत्तियाँ मिलाते समय आप ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा पुदीने की पत्तियाँ अगर चटनी में हो जाएंगी तो उसमें एक अजीब सी अकुराहट आ जाएगी। 3 चम्मच चीनी अथवा गुड़, मैंने यहाँ पर गुड़ का प्रयोग किया है। 2 छोट हरी मिर्च, आप चाहें तो हरी मिर्च ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच खड़ी धनिया और आधा चम्मच जीरा, जिसे मैं गहरा भूरे होने तक भून लूँगी। भूनने के बाद इन्हें पीस लेना है। और 1/4 चम्मच मैंने 3/4 चम्मच नमक लिया हुआ है और 4 चम्मच पानी डालकर मैं इसे पीस लूँगी। तो सबसे पहले हम आम के टुकड़े निकालते हैं और धनिया और जीरे को भून कर इसे पीस लेते हैं। इन कच्चे आमों को मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। गुड़, पुदीना, नमक और मिर्च अपनी स्वाद के अनुसार आप कम ज्यादा कर सकते हैं। नमक, पिसा हुआ धनिया, भुना और पिसा हुआ, एक भुना और पिसा हुआ जीरा और बिल्कुल थोड़ा सा पानी। ये तैयार हो गई हमारी स्वादिष्ट कच्चे आम और पुदीने की चटनी, जिसे आप पूड़ी, पराठे या दाल चावल के साथ इसे खा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये चटनी पसंद आ जाए तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।